और सर हमेशा यहाँ से निकलते, तो इस बार कहा कि वाह सर मिल के निकलो जवा। चलिए थैंक यू और आने के लिए। हाँ, अभी करो, शेयर करो और सब्सक्राइब, और आगे बढ़ते रहे सर, यही चाहते हैं आगे मिलियन हो। थैंक यू भाई। और हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम निकल रहे हैं हल्दी घाटी से। गर्मी है इधर थोड़ी सी, और थोड़ा मतलब पसीना आ रहा है, एसी चला रखा है गाड़ी का। और अभी हम निकलेंगे सीधे दिल्ली, कहीं बीच में नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप ड्राइव होगी हमारी ये दिल्ली तक। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको पूरा इधर से जाने का रास्ता, प्लस जो जो चीज़ें हमने आने में नहीं कवर करी थी वो चीज़ें आपको दिखाता हुआ चलूँगा। और होप करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी वीडियो, जैसे कि आने की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद की। और सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, लाइक आप कोई सी वीडियो चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ऊपर आइकन में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी हल्दी घाटी टू दिल्ली। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा, और जाने के बाद मैं पूरा जो है आपको कितना एक्सपेंस हुआ है वो सारा कुछ बता दूंगा। आने का मैंने वीडियो में बता दिया था एंड में, और अभी जाने का बता दूंगा, प्लस टोटल ट्रिप का कितना खर्चा हुआ वो भी एक वीडियो में अलग से बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो अगर हम घाटी के रोड की बात करें तो इस तरह का है, रोड अच्छा है बना हुआ, और वहाँ पे बिल्कुल रेड मिट्टी थी जहाँ पे हमने मतलब पिछली वीडियो में स्टार्टिंग मतलब देखा था एंड में आके। थोड़ा पहाड़ी एरिया है, मतलब ये अरावली पर्वत है एक्चुअली सारा ना, और ये पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, अलवर से स्टार्ट हो जाता है उधर, इवन दो सोहना से स्टार्ट हो जाता है गुड़गांव से निकलते ही। तो टाइम हो रहा है 11:45, और अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर। इस बार थोड़ा सा मतलब फास्ट चलूँगा मैं, क्योंकि आते टाइम क्या है काफ़ी स्लो आए थे, और माइलेज भी गाड़ी ने अच्छा दिया था उस टाइम पे, बट अभी जाने जाते टाइम थोड़ा फास्ट जाएंगे तो हो सकता है माइलेज थोड़ा सा गाड़ी कम देगी। और ये आ गया है कोई सिटी, इसका नाम क्या है मैं अभी देख के बताता हूँ कहीं पे। ये खमनोर करके जगह है, और अभी यहाँ से नाथद्वारा जाएंगे सीधे। तो नाथद्वारा से हमें हाईवे मिल जाएगा जो दिल्ली वाला है, और उदयपुर से जो ब्यावर वाला हाईवे है उसी पर मिल जाएंगे फिर से। तो ये अभी हमने क्रॉस कर दिया है ओडन, आगे पड़ेगा नाथद्वारा हाईवे आ गया, मतलब ये आपको राइट साइड में दिख रहा होगा फ्लाईओवर, इसके ऊपर चढ़ना है अब हमें। और अब इसके बाद फिर आगे नाथद्वारा, नाथद्वारा से सीधा ब्यावर, और होते हुए निकलेंगे फिर अजमेर। तो अभी ये डबल हाईवे आ गया, तो अभी गाड़ी को इको मोड पर करके चलाते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे पड़ता रहेगा, राजसमंद भी अभी आगे पड़ेगा, ओके नाथद्वारा भी आगे पड़ेगा, यानी कि हम काफ़ी पीछे निकले हैं। तो अभी ये हम निकल गए राजसमंद से भी आगे, और यहाँ पे मतलब जब हम गर्मियों में आए थे तो इतनी ग्रीनरी नहीं थी, ये पहाड़ सब मतलब सफ़ेद थे, सूखे सूखे थे, अभी जो बिल्कुल ग्रीन हुए पड़े हैं। वाह, और हाईवे ये बहुत मस्त है, मतलब इस हाईवे पे मुझे ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है, लाइक आराम से एक स्पीड आप बांधो और चलते रहो आराम आराम से, एकदम स्मूथ है। हाँ कर्वी है थोड़ा सा क्योंकि हिल्स है, बट वो भी ना बहुत बहुत दूर तक फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो वो उससे ना कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी सिटी के अंदर क्रॉस करने में। और अभी ना मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे हम गोवा से वापस आ रहे हैं, क्योंकि यही रास्ते से आते हैं ना गोवा से वापस। तो हरविंदर कह रहे हैं तुम लोग ऐसे ही सोच लो कि गोवा से ही आ रहे हैं, और अब मेरे कान मत खाना। तो सामने का व्यू देखो क्या मस्त है, बादल, वाओ एकदम मजा आ रहा है देखने में।
और गाड़ी की जो मैंने स्पीड रख रखी है वो 80 है, 80-90, इससे ऊपर नहीं जा रहा। बाकी क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ा कर्व वाला है और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रिप मुझे अभी तक तो काफ़ी मज़ेदार लगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने नहीं देखी, लाइक बहुत सारी चीज़ें जैसे कुंभलगढ़ में फोर्ट और वहाँ पे जो मतलब पीछे जाके टेंपल्स वगैरह वो सब देखे, वो बहुत ही मज़ेदार थे। तो अभी कितेला करके एक गांव पड़ता है, वहाँ पे खड़े हुए हैं और एक सब्सक्राइबर आ रहे हैं मिलने। एक्चुअली उनको ना उन्होंने नैनो खरीदी थी बहुत टाइम पहले मुझसे पूछ के, मेरे मतलब सजेस्ट करने पे, और बहुत खुश है वो नैनो के साथ में। तो वो बोल रहे थे कि सर आए हो तो बिल्कुल मिल के जाना, क्योंकि दो बार पहले मिल नहीं सका। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि हाँ मैं आ रहा हूँ और उन्होंने नंबर दिया था। तो अभी उनका कॉल आया कि आप रुको मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ वहीं पर आपके पास। तो अभी देखते हैं, आने देते हैं उनको, ज़रा उनका वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर बात कराऊँगा थोड़ा सा उनसे। और सरदार जी जो हैं परेशान हो गए हैं, सरदार जी को अब मतलब गाड़ी में ही बैठने में परेशान हो रहे हैं ना। इन्हें पहाड़ों में दिक्कत हो गई थी सरदार जी को, लग रहा था अरे अब ठीक हो। जब पहाड़ों में मुझे नीचे उतरते वक्त अजीब सा लग रहा था, डकार आ रही थी बाहर को तो ये ना पहाड़ों में इसे दिक्कत हो रही थी। तो ये अपने भाई है महिपाल सिंह पवार ना। हाँ महिपाल सिंह पवार। इन्होंने बहुत पहले नैनो ली थी और नैनो के साथ कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा बताओ। बहुत शानदार रहा, इनका ही सहयोग से इनसे ही पूछा था लेने से पहले और शानदार चली, अभी भी चली रही है। और सर हमेशा यहाँ से निकलते तो इस बार कहा कि वाह सर मिलके निकलो जब। चलिए थैंक यू और आने के लिए अभी करो, शेयर करो और सब्सक्राइब और आगे बढ़ते रहे सर, यही चाहते हैं आगे मिलियन हो। थैंक यू भाई। और साथ में एक भैया और आए इनके, ये हमारे सर तो भारती है साथ में। अच्छा तो ये इनके दोस्त हैं, तो हाँ प्रवीण जी हैं इनके दोस्त। तो अब मिलेंगे आगे फिर, बाकी आप चैनल को सपोर्ट करते रहना भाई, फुल है, कोई टेंशन नहीं, आप तो बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से मिलते रहते हैं ना भाई, जो मतलब एक तो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए हमारी वजह से तो उस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप इन्होंने नैनो खरीदी तो इनको फ़ायदा भी हुआ, अच्छी भी चल रही है और खुश भी है ये नैनो के साथ में। बाकी आगे धीरे धीरे इस तरह के मीटअप करता रहूँगा जैसे जहाँ पे टाइम मिलेगा, अगर कहीं पे टाइम नहीं मिल रहा तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखो पता नहीं क्या, ये हमें कल भी देखा था हमने, और यहाँ का कुछ कल्चरल फेस्टिवल जैसा कुछ है, इसमें ये लोग कलर उड़ाते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं और झंडे टाइप के इन्होंने कुछ ले रखे होते हैं। ये राजस्थान में जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भी 3-4 बार हमें दिखा था, तो एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या होता है ये, बट कलर्ड झंडे टाइप ले रखे होते हैं, सब नाच गा रहे होते हैं और कलर उड़ा रहे होते हैं। तो ये हम लोग ना ब्यावर पहुंच चुके हैं और डबल रोड शुरू हो जाता है यहाँ से, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, लाइक हाँ 6 लेन हाईवे है ये। और इससे पहले क्या होता है जैसे ओवरटेकिंग में दिक्कत होती है, ये सो मतलब रोड पतला रहता है, अब यहाँ आराम से चलाते रहो, स्मूथ रोड है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, रोड भी अच्छा है। दिल्ली बचा है 430 और जयपुर मेरे को लग रहा है 170 या ऐसे कुछ बचा होगा, पीछे मैंने 188 देखा था काफ़ी देर पहले। तो देखो कितना टाइम लगता है, शायद 3 घंटे के आसपास लगेंगे अभी जयपुर पहुंचने में और उसके आगे फिर दिल्ली, मेरे को लग रहा है काफ़ी रात हो जाएगी, बट देखो कब तक पहुँचते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे हाईवे पर ये हो रहा है, ये गायें देखो सामने बीच रोड पर खड़ी हुई हैं, और इस चीज़ को एक्चुअली या तो गवर्नमेंट को देखो स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, या फिर जो लोकल पीपल हैं जो गाय छोड़ देते हैं उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए रिस्क है, गाय की लाइफ जो है बिल्कुल एकदम रिस्क पे है। कोई भी रात में तो बिल्कुल भी दिखती नहीं है, कई बार ब्लैक गाय होती है ना तो बिल्कुल नहीं दिखती है कई बार रात में। और आज मैं कम से कम मैंने 10 जगह इमरजेंसी ब्रेक ली है सिर्फ गाय देख के, जहाँ पे गाय एकदम सी कोने पर आती थी या तो डिवाइडर के साइड में बैठी हुई है एकदम, और या फिर कहीं भी मतलब बीच रोड पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल बीच रोड पे जिस सामने मैं चल रहा हूँ ना यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये मतलब उनके लिए बहुत रिस्क है, उनके साथ साथ में जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी रिस्क है, क्योंकि अगर
एक्सीडेंट होता है या कुछ लगता है तो चोट तो बराबर लगनी है दोनों के ही। हाँ, डिवाइडर में बीच में खड़ी होती है, सामने अभी देखो वो डिवाइडर के एकदम साइड में आ रही है, और जो इधर ओवरटेकिंग लेन है, ओवरटेकिंग लेन में क्या गाड़ी हर कोई स्पीड में निकालता है क्योंकि ओवरटेक करना होता है उसे, और ये एकदम से कूद के सामने आ जाती है, फिर उसके बाद वो ब्रेक भी नहीं लग पाते इतनी जल्दी। तो मैं खुद इसीलिए इस मिडल लेन को यूज करता हूँ ज़्यादातर, ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ इधर से या इधर से आते हुए दिखे, और मुझे मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन करके चलानी पड़ रही है गाड़ी आज, जितना मतलब मैंने कभी किया नहीं है इतना। यूजुअली हाईवे पे जरूरत नहीं पड़ती इतनी, लगता है कि हाँ सीधे सीधे चलना है, आराम से चलते रहेंगे। तो ये चीज़ ना एटलीस्ट गवर्नमेंट को या किसी के लोकल जो भी यहाँ के हैं पॉलिटिक्स में, उनको लेनी चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा गायें रोड पर होंगी तो ट्रैफिक कहाँ चलेगा फिर। तो अभी हम जयपुर पहुँचने वाले हैं, बीच में अभी लंच हमने किया नहीं है कहीं भी, और अब जयपुर क्रॉस करने के बाद ही हम देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे। एक्चुअली भूख नहीं लग रही थी तो इसलिए सोचा कि चलते ही रहते हैं, जयपुर के बाद में जो भी ढाबे बढ़ते हैं तो वहीं पे जाके आराम से खाएंगे, तो इसलिए रुके ही नहीं कहीं भी। और जयपुर मुश्किल से बचा है 40 किलोमीटर के आसपास। तो अभी होटल हाईवे किंग पे पहुँच चुके हैं, तो आने का जो माइलेज दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, मतलब 18+ माइलेज 18.5 के आसपास दिया है, और जिसमें क्या मैंने करीब 100 किलोमीटर बिल्कुल रफ रोड पे चलाई है, जिसमें क्या गारा था और सिंगल रोड और बहुत ही मतलब गड्ढे उन पे चलाई है, और 120 किलोमीटर के आसपास जो स्पीड रही है मेरी वो रही है 110 तक, तो मतलब स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाद भी माइलेज बड़ा अच्छा निकाला गाड़ी ने। तो अभी पहले जो है थोड़ा सा खाते हैं खाना, क्योंकि आज सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं है, तो पहले खाना खाते हैं, खाना दिखाते हैं, वो आपको फूड एंड स्टे पे मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, चूक ना जाना किंग का खाना, यहीं पर आए हुए हैं और अभी यहीं पे करते हैं। एक्चुअली ये दोनों साइड पड़ता है हाईवे के, NH8 के राइट भी लेफ्ट भी। तो डिनर हो गया है और टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था खाना, लाइक बहुत सर्विस भी फास्ट थी, जल्दी आए थे, लगभग आधे घंटे में फ्री हो गए खाऊ के सारा कुछ। और अभी क्या मैं सीधा मिलूंगा आपको दिल्ली जाके, इसके एक्सपेंस वगैरह सारे बताऊंगा, क्योंकि अभी नाइट हो गई, नाइट में व्यूज़ तो आएगा नहीं और थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ट्रैफिक में मुझे ड्राइविंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो कल सुबह मैं बात करूँगा, क्योंकि थक जाऊँगा, 11 बजे तक ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा दिल्ली, और सारे एक्सपेंस सारे डिटेल कितने किलोमीटर पड़ा वो सारा मैं जाके कल सुबह आराम से बताऊंगा आपको। सो गाइज, कल पहुंच गए थे रात को करीब 11:45 पे, और मतलब आराम से पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चले, लेकिन हाँ जयपुर से और जो दिल्ली वाला रोड था वो बहुत ख़राब हो रखा था, तो वहाँ पे हमें मतलब स्पीड अपनी बहुत लिमिटेड चलनी पड़ी, 80 इससे ऊपर नहीं चल पाए, क्योंकि रोड भी टूटा हुआ था, साथ साथ में जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उस रोड पर। बाकी ओवरऑल ट्रिप की बात करूं तो ट्रिप बहुत एक्सीलेंट रही, और जो टोटल गाड़ी चली है वो चली है 1365 किलोमीटर, मतलब आने में हमें 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्योंकि हम हल्दी घाटी घूम के आए हैं, तो वो उधर जाना और फिर वापस आना 100 किलोमीटर के आसपास हमको एक्स्ट्रा पड़ गया था। बट हाँ, मज़ा पूरा आया, आपने जैसा देखा कैसी लोकेशन है, हमने सोचा नहीं था कभी इतनी अच्छी मतलब लोकेशन देखने को मिलेंगी, राजस्थान इतना अच्छा भी होगा, हमें लगता था राजस्थान में गर्मी गर्मी होती है, लेकिन नहीं, राजस्थान और भी खूबसूरत है, और लाइक अरावली जो है वो एकदम मस्त लगती है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, एंड एक्सपेंसेस की वीडियो एक मैं बिल्कुल एंड में अभी इसके बाद में एक बना दूंगा, जिसमें टोटल ट्रिप का कितना खर्चा हुआ है तीनों दिन का वो सारा बता दूंगा, लाइक 3 दिन का हमारा जाना आना रहना खाना टोटल कितना खर्चा बैठा, तो होपफुली आपको आगे मतलब हेल्प करेगा जब आप कभी ट्रिप बनाते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, क्योंकि अब सब्सक्राइबर्स की नीड है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।